Hello and a very good afternoon to everyone present here in the class. I hope you're having a wonderful day today. बताइए मुझे कैसा चल रहा है आपका दिन. How many classes have you attended so far? क्या क्या किया है? ये मेरा बहुत ही स्टेबल सा क्वेश्चन होता है, क्या क्या किया है. चलो आज ये बता दो कि क्या क्या करना चाहते हो पर करने को मिला नहीं, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन बिकॉज प्रेजेंट पेरेंट्स हैव हियर. बीन मॉनिटरिंग यू कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, है ना. 12th स्टैंडर्ड होता है, बहुत प्रेशर होता है. नाउ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय टुडेज क्लास. वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लेट्स क्रैक सीबीएसई साइंस, जहां पे हम आपको हेल्प करते हैं प्रिपेयर करने के लिए 12th साइंस बोर्ड एग्जामिनेशन. आई बिलीव कि आपको इस क्लास में काफी सारा हेल्प मिल रहा होगा. वी हैव बीन ट्राइंग टू बी देयर विथ यू फॉर यू, हेल्पिंग यू आउट प्रिपेयर फॉर योर फाइनल एग्जाम्स. थोड़ा टाइम है बट इस टाइम को वेस्ट मत कीजिएगा. टाइम होने का मतलब होता है दैट यू शुड यूटिलाइज दिस टाइम, है ना. आई एम डॉक्टर यामिनी, योर एजुकेटर फॉर इंग्लिश. आई हैव डन माई PhD इन इंग्लिश ह्यूमैनिटीज एंड आई हैव बीन इन टू टीचिंग प्रोफेशन फॉर पास्ट 15 ईयर्स. और अब मेरा ये ऑनलाइन भी शुरू किया है मैंने थ्रू अन अकेडमी, क्योंकि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर एजुकेटर्स लाइक अस एंड फॉर स्टूडेंट्स लाइक यू एज वेल. तो जाइए अपने फ्रेंड्स को बुला के लेके आइए, बैठे हम बातें करें. लेट्स डिस्कस अबाउट ईच अदर एंड लेट्स डिस्कस अबाउट योर सिलेबस ऑल्सो. तो अन अकेडमी बींग इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको बहुत सारा एक्सपोजर देता है रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट. और एक ही सब्जेक्ट नहीं है, एक ही टॉपिक नहीं है, वेरियस है. टू नो दैट यू नीड टू सब्सक्राइब विद अस. ओके, सो व्हाट डू यू गेट व्हेन यू सब्सक्राइब? सब्सक्रिप्शन के बाद में आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड अनलिमिटेड एक्सेस. ठीक है, आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं, जैसे कि एक लाइव क्लास आपकी यूट्यूब की हो गई, दूसरी आपकी स्पेशल क्लास होती है, एक और सेट ऑफ क्लासेस होते हैं. फॉर मी आई टेक यूट्यूब क्लासेस इन मॉर्निंग 7 AM एंड देन आई हैव स्टार्टेड फॉर 3 PM ऑल्सो एंड देन माई स्पेशल क्लास इज एट 7 PM इन द इवनिंग. आई गेट गुड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि मेरे से बहुत इंटरेक्ट करते हैं, तो उनसे इंटरेक्ट करना, उनको चीज़ें समझाना, डाउट्स क्लियर करना, दे मेक द सेशन वेरी इंटरेस्टिंग. सो आई वुड वॉन्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें और जो पूरा सेशन होता है टीचिंग का उसको इंटरेस्टिंग बनाएं. आई एम वेटिंग फॉर माई स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे बोला था कि आज वो आएंगे 3 o'clock. आई थिंक इधर तो वो स्कूल से वापस नहीं हुए हैं, दैट इज़ कि उनका ऑनलाइन क्लास चल रहा है, और मे बी दे आर अप टू फिनिशिंग देयर लंच एंड इन अ मोमेंट और टू दे विल बी हियर विद अस. रेस्ट ऑफ यू दोज हु ऑल आर वॉचिंग दिस वीडियो, यहाँ पे प्लीज अपडेट डालिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे सेशन को, सो दैट वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रीच मोर एंड मोर स्टूडेंट्स एंड हेल्प देम. वी विल हेल्प यू रिवाइज टू लाइव टेस्ट एंड क्विजेज जो हम डेली सेशन में करते हैं, रोज ही करते हैं अपनी क्लासेस में. स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं हमारे, आपका पूरा 12th का सिलेबस जो होगा वो प्रॉपरली प्लान्ड है. स्टेप बाय स्टेप हम आपको पढ़ाते हैं, टॉपिक वन टू वन बाय वन कवर किया जाता है, सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड है, फॉर्मेटेड. ओके, देन वी गिव यू अनलिमिटेड एक्सेस व्हेन यू सब्सक्राइब फॉर योर लेट्स क्रैक सीबीएसई साइंस प्रोग्राम. ये एक सब्सक्रिप्शन आपको एक्सेस देता है लाइव और रिकॉर्डेड बोथ क्लासेस के लिए, आपको अलग अलग पेमेंट नहीं करनी होती. देन यू हैव लाइव क्लासेस जहाँ पे वन टू वन इंटरेक्शन होता है आपके टीचर के साथ आपका, वो आपके क्वेरीज और डाउट्स क्लियर करते हैं, आपको टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करते हैं और पढ़ाते हैं. ठीक है, एंड एक सब्सक्रिप्शन, और उसके बाद आपको क्या मिलता है, सब्सक्रिप्शन के साथ आपको मिलता है बाकी के सब्जेक्ट्स. अगर आप इंग्लिश के थ्रू सब्सक्राइब करते हो तो इट इज़ नॉट दैट यू विल गेट टू अटेंड ओनली इंग्लिश क्लास. जैसे आप ट्यूशन क्लासेस जाते हैं तो क्या होता है, आपने सपोज इंग्लिश साइंस के लिए ट्यूशन लिया है तो वो आपको साइंस पढ़ाएंगे, फिजिक्स का अलग क्लास होती है, केमिस्ट्री इज सेपरेट, बायो इज सेपरेट, एंड देन यू गो फॉर अनदर ट्यूशन दैट इज मैथ्स. मैथ्स के लिए अलग से जाते हैं, बट इट डजेंट हैपन हियर. यहाँ पे हम आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे अंडर वन सब्सक्रिप्शन ओनली. ओके, नाउ हाउ डू यू डू इट? यू जस्ट हैव टू इंस्टॉल द अन अकेडमी लर्निंग ऐप इन योर डिवाइस एंड देन यू विल गेट एक्सेस टू थ्रू द सब्सक्रिप्शन. यू गेट 30+ आवर्स ऑफ लाइव सेशंस एवरी डे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज इन इंग्लिश एंड हिंदी, 14+ टॉप एजुकेटर्स एंड देन न्यू कोर्सेज.
सब्सक्राइब कीजिए एंड दीज आर द बेनिफिट्स दैट यू आर गोइंग टू गेट आफ्टर द सब्सक्रिप्शन एंड देन वी आर अवेलेबल ऑन टेलीग्राम ऐप एज वेल. दिस इज द लिंक और इस लिंक को जब आप यहाँ पे डालोगे टेलीग्राम ऐप में सो यू स्ट्रेट वे रीच टू द मटीरियल्स नोट्स क्लासेस जो भी होती है वो सारे यहाँ टेलीग्राम ऐप में अपलोड किए जाते हैं आपको वहाँ पे मिलेगा. एंड देन दीज आर द टॉप एजुकेटर्स. हमारे सीबीएसई प्रोग्राम के टॉप एजुकेटर्स हैं मुकेश सर, भारत सर, दीपक सर, उमा मैम, प्रिया मैम. तो यू गेट टू चूज द टीचर्स दैट यू वॉन्ट टू स्टडी फ्रॉम. ओके हेलो मोनिका, हाउ आर यू? वेलकम टू द क्लास. तो आई टोल्ड यू मेरे स्टूडेंट्स आ रहे हैं अभी. आई बिलीव ये सारे अपना लंच फिनिश करके क्लासेस फिनिश करके लंच किया है एंड देन दे हैव जॉइंड. तो हाउ वाज योर डे मोनिका? सारे क्लासेस कर ली? कितनी क्लासेस की आज? So here is Monica. I am good too, beta. Thank you so much. Okay, so हम top educators की बात कर रहे हैं. Thereafter, how do you get all these facilities? You get it through subscription और subscription आपका 12 months का है since your board या कोई भी आपकी class है पूरा एक session एक साल चलता है. So we suggest that you go for the 12 months का program which costs 12,500. ये amount जो है ये आपके tuition amount से when you compare it is much lesser and then you don't have to commute also especially during a time where we are trying to avoid getting into public transport and getting in contact with the आउटसाइड पीपल. तो उस टाइम पे घर बैठे अगर आपको पढ़ाई करने के लिए मिल रहा है तो दैट्स एन एक्सेलेंट थिंग दैट यू आर गेटिंग एंड फॉर दैट यू हैव टू टाइप माई रेफरल कोड विच इज YAMINI1. मेरा रेफरल कोड टाइप कीजिए एंड देन द बेनिफिट यू गेट इज दैट यू विल गेट 10% डिस्काउंट एज वेल. सो यू आर नॉट पेइंग 12,500, यू आर पेइंग 11,250 ओनली. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर यू टू subscribe to the course and join the team of learners. Okay, today like in my previous class I told you kal hum keeping quiet pad lete hai na. Keeping quiet poem hai Pablo Neruda ki. Kis wali book se hai Monica batao? Vistas hai ya fir Flamingo hai? Keeping quiet kaun se book ki poem hai beta? ओके तो कीपिंग क्वाइट पोएम है आपके इंग्लिश कोर की फ्लेमिंगो बुक से ली गई है पोएम. पाब्लो नेरुडा की लिखी हुई है. हु इज फ्रॉम हु वाज फ्रॉम चिली एंड ही वाज नोबेल प्राइज विनर एज वेल इन लिटरेचर. तो बिफोर वी डिस्कस कल मैंने कीपिंग क्वाइट का डिटेल्ड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपके साथ डिस्कस किया था. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स एंड देन रेफरेंस टू द Yes, Monica, absolutely right, Veda. It is Flamingo. So today we are going to discuss reference to the context on the basis of or on the style of your board paper. आपके board के paper में poetry से किस तरह से questions आते हैं हम उनके बारे में discuss करेंगे और एक practice session भी रखा है. ठीक है? Excuse me. So a quick revision. Types of figures of speech, construction, resemblance, association and contrast. इनके basis पे आपके figure of speech decide और divide किए जाते हैं. तो construction के basis पे climax और anticlimax होता है. Then resemblance के basis पे simile, metaphor, personification and apostrophe होता है. And then association के basis पे metonym and synecdoche होता है. और contrast के basis पे it is antithesis and epigram. Simile. What is a simile? In a simile, a comparison is made between two objects of different kinds which have, however, one point in common. So, simile क्या होता है? Simile में हम comparison करते हैं दो अलग तरह की चीजों के बीच में.
बट इनमें एक कुछ ऐसी चीज होती है जो कि कॉमन होती है, एक कॉमन पॉइंट होता है इसमें। और सिमिली को जनरली आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? सिमिली को यू कैन आइडेंटिफाई विथ द वर्ड्स लाइक एंड एज और सो। ठीक है, जनरली हम सिमिली को इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ सिमिली? अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ सिमिली हियर इज माई डॉग इज एज स्मेली एज डर्टी सॉक्स। तो डॉग को किससे कंपेयर किया है? डॉग हैज बीन कंपेयर्ड विद अ सॉक एंड द स्मेल दैट कम्स फ्रॉम अ डॉग इज बीन कंपेयर्ड टू दैट सॉक्स। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हम दो डिफरेंट चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, डॉग एंड सॉक्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग, बिल्कुल ही डिफरेंट है एक दूसरे से। उनको हमने उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक, एक कॉमन पॉइंट विच इज स्मेल, उसको कंपेयर किया है। सो इस कंपैरिजन को हम क्या बोलते हैं? सिमिली। और शो कैसे करते हैं? यूजिंग एज। ठीक है, अगेन दिस पिज्जा इज एज कोल्ड एज आइस। पिज्जा को हमने किससे कंपेयर किया है? वी हैव कंपेयर्ड पिज्जा विद आइस। और कॉमन पॉइंट क्या है? कोल्ड, कितना ठंडा है, तो आइस के इतना ठंडा है। ओके, मेटाफर। अ मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। सो मेटाफर ही जो है वो आपका सिमिली ही होता है। कैसे? इट डज नॉट लाइक द सिमिली स्टेट दैट वन थिंग इज लाइक अनदर और एक्ट्स एज अनदर बट टेक्स दैट फॉर ग्रांटेड एंड प्रोसीड एज इफ टू थिंग्स वर वन। तो मेटाफर में क्या होता है? मेटाफर भी सिमिली के लाइन्स पे ही होता है, बट सिमिली में और मेटाफर में फर्क क्या है? ये नहीं बताता है कि एक चीज दूसरे के जैसी है। ये दो अलग अलग चीजों को कंपेयर करके उनके बीच की सिमिलैरिटी दिखाता है हमें। जैसे द कैमल इज अ शीप ऑफ द डेजर्ट। कैमल भी अलग हो गया, ठीक है, कैमल इज अ शीप ऑफ द डेजर्ट। शिप भी अलग हो गया, कैमल डेजर्ट में होता है, शिप वाटर में होता है, इजंट इट? लेकिन कैसे कंपेयर कर दिया इसको शिप के साथ में? इसका जो मूवमेंट है बहुत स्मूथ होता है। सिमिलरली कैमल का मूवमेंट भी स्मूथ होता है। तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन के लिए हमने जो स्टेटमेंट बनाया है दैट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ मेटाफर। इसको हम मेटाफर, इस कंपैरिजन को हम मेटाफर बोलते हैं। देन एवरी सिमिली कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ मेटाफर एंड एवरी मेटाफर कैन बी एक्सपैंडेड इनटू अ सिमिली। दस इंस्टेड ऑफ सेइंग आकाश फॉट लाइक अ लायन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली लाइक। ठीक है, वी कैन ऑल्सो से आकाश वॉज अ लायन इन द फाइट। तो ये दो तरह से हम सिमिलैरिटी अलॉन्ग विथ डिफरेंस दिखा रहे हैं। पर्सोनिफिकेशन। इन पर्सोनिफिकेशन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, इनएनिमेट मतलब कि जिसके अंदर लाइफ नहीं होता है, लाइफ होता भी है तो वो मोबाइल नहीं होते हैं। ठीक है ना, लाइफ हो सकता है बट वो मोबाइल नहीं होते हैं, चलते फिरते नहीं है। In personification, inanimate objects and abstract notions are spoken of as having life and intelligence. ठीक है, so क्या होता है कि inanimate object होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जिनमें या तो जान नहीं है, और अगर जान है तो वो जो है वो move नहीं कर सकते, वो चल फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो ऐसे चीजों को लेके हम उनको लाइफ और इंटेलिजेंस देते हैं, उनको हम लाइफ वाली जो क्वालिटीज होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं, उनको हम इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं। एंड दैट इज व्हाई दिस फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन व्हेन यू लुक एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड देयर इज दिस टर्म पर्सन, तो हम पर्सन लाइक क्वालिटीज दे देते हैं। ठीक है, इसलिए इट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन अकर्स व्हेन द ऑथर और स्पीकर गिव्स ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक to non-human object. Monica, are you there in the class? So, मुझे बताइए कि personification क्या होता है? What is personification? Personification is जब author या poet या speaker human characteristic दे देते हैं non-human object को या inanimate object को. That is called personification. For example, the trees scream in the raging wind.
बेटा बताओ, पर्सोनिफिकेशन समझाया था ना मैंने, क्या है पर्सोनिफिकेशन? पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होगा बेटा, समझाओ शॉर्ट में बता दो. ओके, वी हैव मोर पीपल इन द क्लास. एनीबडी वुड लाइक टू वॉलंटियर एंड टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सोनिफिकेशन? वी आर डिस्कसिंग फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी डिवाइसेस डिस्कस कर रहे हैं. बेटा हिंदी में नहीं, इंग्लिश में मुझे बताओ कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है. सी द आंसर हियर इज कि जब हम किसी भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को या फिर किसी अब्स्ट्रैक्ट आइडिया को या नॉन ह्यूमन चीजों को जब हम ह्यूमन लाइक क्वालिटीज दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. ठीक है, ओके. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, द ट्रीज स्क्रीम इन द रेजिंग विंड. तो ट्रीज को वॉट क्वालिटी हैज बीन गिवन टू ट्रीज? स्क्रीमिंग. हु स्क्रीम्स? ह्यूमन स्क्रीम, है ना. ट्री जो है, पेड़ पौधे, ये स्क्रीम नहीं कर सकते हैं, ये चीख चिल्ला नहीं सकते हैं, ह्यूमन चीखते चिल्लाते हैं. तो जब हमने ट्री को ऐसी क्वालिटी दे दी जो उसमें नहीं है, सिर्फ ह्यूमन में हो सकता है, सो दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. राइट, ओके. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंटीथेसिस. इन एंटीथेसिस, अ स्ट्राइकिंग ऑपोजिशन और कंट्रास्ट ऑफ वर्ड्स और सेंटिमेंट्स इज मेड इन द सेम सेंटेंस. एंटीथेसिस क्या होता है? एंटीथेसिस में आपको बहुत ही स्ट्राइकिंग सा कंट्रास्ट दिया जाता है. ठीक है, सेम सेंटेंस में आपको कंट्रास्ट दिया जाएगा. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, लव एंड हेट, गुड एंड ईवल, पीस एंड वॉर. दोनों ही उल्टी चीजें हैं, जहां लव होगा वहां हेट नहीं होगा. सही है मोनिका, इट इज राइट बेटा. जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग के ऊपर लिविंग थिंग से कंपेयर कर देते हैं, वो पर्सोनिफिकेशन होता है. यस, नॉन लिविंग थिंग बेटा, और नॉन लिविंग थिंग ही सिर्फ नहीं होगा बेटा, कोई भी अब्स्ट्रैक्ट नोशन हो सकता है. जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे नॉन लिविंग नहीं होते ना, तो आप नॉन ह्यूमन भी लिख सकते हैं, है ना, नॉन लिविंग एंड नॉन ह्यूमन. ठीक है, दोनों ही केसेस में जब हम वहां पे ह्यूमन लाइक क्वालिटीज दे देते हैं चीजों को, जब भी आप ह्यूमन लाइक क्वालिटीज दोगे, तो दे आर कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. एंटीथेसिस इज स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट बिटवीन टू थिंग्स इन द सेम सेंटेंस. एक ही सेंटेंस में जब आप क्लियर कंट्रास्ट दिखा देते हो, अपोजिशन दिखा देते हो, दैट इज कॉल्ड एंटीथेसिस. ठीक है, फन. तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, ये सारे आपको इसमें, आपको इस पोएम कीपिंग क्वाइट में मिलेगा. अ पन इज द यूज ऑफ अ वर्ड इन सच अ वे दैट इट इज केपेबल ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन. मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि पन ऐसा वर्ड होता है जिसको, जिसका कि एक से ज्यादा यूसेज हो सकता है. ठीक है ना, एक वर्ड होगा लेकिन उसको दो डिफरेंट चीजों के लिए हम यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट बीइंग टू प्रोड्यूस अ ludicrous इफेक्ट. एक स्मूथ सा, फनी सा इफेक्ट यूज करने के लिए भी हम पन जैसे वर्ड्स का यूज करते हैं. ओके, सॉरी, द एग्जाम्पल हियर इज लाइफ वर्थ लिविंग, इट डिपेंड्स अपॉन द लिवर. तो यहाँ पे लिवर क्या हो गया, यहाँ पे लिवर पन का एग्जाम्पल हो गया, बिकॉज एक वर्ड है और इसके दो मीनिंग निकलते हैं. एक तो लिवर आपका बॉडी का इंटरनल ऑर्गन हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया कि जो जिंदगी जीता है उस पे ही लाइफ के जीने का मतलब समझ में आता है. ठीक है, विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, कीपिंग क्वाइट बाय पाब्लो नेरुडा. आई टोल्ड यू, आप कल का मेरा वीडियो विजिट कर लेना, उसमें मैंने टेक्स्टुअल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द समरी फॉलोड बाय क्वेश्चन आंसर्स. पाब्लो नेरुडा, मैंने आपको बताया था ये इनका पेन नेम है. द पोएट्स ओरिजिनल नेम वॉज नेफ्ताली रिकार्डो रेस बसाल्टो. ठीक है, इट्स अ लॉन्ग नेम, बट ग्रेजुअली विथ ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब ये पॉपुलर हो गए थे, तो इनको नाम दिया गया था पाब्लो नेरुडा. देन वी हैड ऑल्सो डिस्कस दैट ही हैड वन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1971.
and he was from Chile. Okay, so what is the poem about? In this poem, the poet visualizes a state of comfortable inertia where he wishes for a pleasant idleness and relaxation away from the frantic rat race, destructive activities and futile war. तो हम शुरू के चार लाइन ही पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि इस पोएम का पर्पस क्या है. व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू टेल अस अबाउट. द पोएट इज ट्राइंग टू टेल अस हिज ओपिनियन एंड ही इज गिविंग अ सजेशन दैट वी ऑल द एंटायर ह्यूमन रेस शुड कम टू अ स्टैंड स्टिल फॉर सम टाइम. ठीक है, और इससे क्या होगा कि हमें रिलैक्सेशन आएगा, हमारी बॉडी रिलैक्स होगी, हमारा माइंड रिलैक्स होगा एंड द एंटायर प्लैनेट अर्थ विल फील दैट रिलैक्सेशन. जहाँ पे वॉर नहीं होगा उस टाइम पे, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो ह्यूमन लाइफ को, एनवायरनमेंट को, नेचर को डिस्ट्रक्शन पहुंचाएगी, हार्म पहुंचाती है. कोई वॉर्स नहीं होंगे, सो देयर विल बी अ प्लेजेंट एटमॉस्फियर एवरीवेयर. ठीक है, ही विशेस फॉर अ प्रोफाउंड साइलेंस एंड स्टिलनेस. सो दिस इज व्हाट द पोएम इज अबाउट. अगर हम एक स्टेटमेंट में, एक लाइन में बात कर ले बेटा, तो हमारे पोएम का यही पर्पस ही है. एक्सक्यूज मी, प्रोफाउंड साइलेंस एंड स्टिलनेस. दिस इज व्हाट द पोएट वॉन्ट्स अस टू एक्सपीरियंस. ही इज नॉट आस्किंग फॉर हिमसेल्फ, वो दूसरे लोगों के लिए भी चाह रहे हैं. और इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास सेंस ऑफ टुगेदरनेस एंड सेंस ऑफ ब्रदरहुड डेवलप करेगा. बिकॉज हम सोचेंगे, रुकेंगे, सोचेंगे कि हम अपनी लाइफ में कर क्या रहे हैं और आज के पहले किया क्या. दिस ऑल्सो वी हैड डिस्कस्ड यस्टरडे, सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज फॉर्म. आपको राइमिंग स्कीम तो पता है ना, पोएम में क्या होता है. कल मैंने डिस्कस किया था रात को, तो रात की क्लास में शाम को, तो वी हैड डिस्कस्ड ना क्या क्या होता है पोएम लिखने में. पोएम की राइमिंग स्कीम होती है, और जब राइम स्कीम नहीं होगी तो वो पोएम किस फॉर्म में होगा बताओ. देर आर पीपल वॉचिंग द क्लास, सो इफ देर इज नो राइमिंग स्कीम तो क्या होगा आपका पोएम. योर पोएम विल बी इन फ्री वर्ड्स. ठीक है, फ्री वर्ड्स में आएगा. देयर वुडंट बी दैट ए बी बी सी वाला स्कीम अगर नहीं है, तो इट बिकम्स फ्री वर्ड्स. स्कीम क्या है, द नीड फॉर साइलेंस, पीस, इंक्लूसिविटी, फ्रेटर्निटी एंड कंजर्वेशन, दीज आर फ्यू थीम्स ऑफ योर पोएम. मैसेज, पोएम आपको मैसेज क्या दे रहा है. सो द मैसेज विच द पोएम एंड द पोएट इज कन्वेइंग इज through this poem the poet tries to tell us that we should stop our destructive activities and keep quiet for some time. By doing so we will be able to look into ourselves and see what our behavior is doing to others. So beta, is poem ka iklauta jo message hai wo yahi hai ki hame apni sari aisi cheeze rok deni chahiye jisse ki किसी को भी नुकसान पहुंचता हो, खुद को नुकसान पहुंचता हो. वी नीड टू स्टॉप आवर सेल्स फॉर सम टाइम. और इससे क्या होगा, हम खुद को देख पाएंगे, समझ पाएंगे हमारा बिहेवियर कैसा है और दूसरों के लिए कैसा है. थीम, तो ये जो हम इतनी देर से मैं आपको बोल रही हूं कि सोचना चाहिए अपने बारे में, रुको, सोचो, सो दिस इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन. सो दिस इज द थीम ऑफ योर पोएम. ये आपके पोएम का थीम है. इट इज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू दैट व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट. ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है फर्दर. ऑलराइट, दैट व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट. सो इट इज इंट्रोस्पेक्शन एंड द अदर वन विल बी ब्रदरहुड. ठीक है, जब हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, खुद की चीजों को रियलाइज करेंगे, तो हमारे अंदर में डिस्ट्रक्शन वाली क्वालिटी जो है वो डाई डाउन करेगी, विच विल फर्दर इम्प्रूव सेंस ऑफ ब्रदरहुड. ओके, थीम इज इंट्रोस्पेक्शन विच फर्दर विल हेल्प ह्यूमंस क्रिएट अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ब्रदरहुड. इंट्रोस्पेक्शन, रुको, थमो, सोचो, समझो.
ठीक है, और इससे क्या होगा, ह्यूमंस के अंदर में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ब्रदरहुड की फीलिंग और बढ़ेगी. सो अर्थ विल बिकम अ मोर हैप्पियर प्लेस टू स्टे. समरी, समरी क्या है हमारे पोएम की, कौन बताएगा? वी हैव टू मोर पीपल इन द क्लास. हु इज गोइंग टू शेयर द समरी? मुझे समरी कौन बताएगा? क्विकली, यू डोंट हैव टू बी इलेबोरेट. अभी तक हमने जो भी बातें की है उसमें आप मुझे समरी बता सकते हो. सो आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. वॉट इज द समरी ऑफ दिस पोएम? यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर. ओके मोनिका, नो प्रॉब्लम, टेक केयर. ओके, लेट मी I'll complete this and then you can speak to me, drop me a message. ठीक है, आप मेरे को message करके पूछ लेना, एक बार schedule check कर लेना special class की. आज क्या discussion करने वाले हैं? I think आज हम law spring discuss करने वाले हैं, ठीक है ना? Okay, summary. Keeping quiet is an anti-war poem through which the poet aims to appeal to the readers to take a little time out of their busy schedules and life for a little introspection and retrospection. It's an anti-war poem. War ke against hai ye poem. Aur isiliye the poet says that the people who are reading the poem should take little time out of their busy schedule. Ye jo bhag daud wali zindagi hai logo ki, jahan ek dusre se jeetne ke liye race laga rakhi hai sabne, तो उनको रुकना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट और रेट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, रियलाइज करेंगे कि क्या कर क्या रहे हैं एंड व्हाट वी आर डूइंग इज इट राइट. द टाइटल कीपिंग क्वाइट इज अ सिंबल, इज सिंबॉलिक टू स्टॉप ऑल द एक्टिविटीज. कीपिंग क्वाइट इज अ सिंबल ऑफ स्टॉपिंग ऑल एक्टिविटीज. ठीक है, कीपिंग क्वाइट इन द माइंड, नॉट डूइंग एनीथिंग बट टू क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द वर्ल्ड दैट ह्यूमंस हैव क्रिएटेड अराउंड themselves. So this is your summary of the poem. यही poem आपको समझाने की कोशिश कर रहा है. Through all the lines mentioned over there, जब आप हर stanza को पढ़ोगे, हर stanza आपको यही बोलता है कि रुक जाइए, so that the train's engine stop, the fishermen should stop, the laborers who are taking salt and making salt, they should also stop. सब चीजें रुकनी चाहिए कुछ देर के लिए. ओके, सो दिस इज द पोएम. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. आप देखना बिगिनिंग ऑफ द पोएम जो है इसमें क्या है, यहां वी है, और जब आप एंड ऑफ द पोएम में जाएंगे तब देखना ये वी चेंज हो जाता है. ठीक है, इफ यू रिमेंबर. What happens here? The poet begins with counting 12, urging everyone to stay still. He chooses 12 for several reasons. Another important question. 12 जो होता है वो time को mark करता है, then zodiac signs को mark करता है, month of an year को mark करता है. Maybe that is the reason that Pablo Neruda had chosen the number 12, and he is suggesting कि हम सारे लोगों को उस time तक रुकना चाहिए. ठीक है, एलिटरेशन है और एंटी थेसिस है. आपको काउंट करने भी बोल रहे हैं और शांत रहने भी बोल रहे हैं, तो इट इज कंट्रास्ट. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. तो प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हेन आई एम रीडिंग द लाइंस. आप भी साथ में पढ़िए बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आगे. सो द पोएट हियर सेज दैट we need to break the barriers of language and unite with one invisible tune that is silence. ठीक है, हमें किसी की भाषा समझने की जरूरत नहीं आएगी, हम शांत रह के ही एक दूसरे के फीलिंग्स और इमोशंस को समझ सकते हैं. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. तो ये बहुत ही एक एक्साइटिंग सा और यूनिक सा मोमेंट होगा जहाँ पे कोई भी रश, कोई भी भाग भाग नहीं होगी, किसी भी तरह के इंजन्स की आवाज नहीं होगी, बहुत स्ट्रेंज सा साइलेंस होगा ये.
And then you have the poetic devices here. Without is repetition. We would alliteration and sudden strangeness again is alliteration. So alliteration मैंने कल आपको समझाया था. What is alliteration? Alliteration is consonant sounds जो होते हैं ना beginning of किसी word के जो शुरू में consonant sounds होते हैं अगर वो repeat हो रहे हैं next word में तो this is called alliteration. For example, s sound is repeated, w sound is repeated. ठीक है और इसको हम alliteration बाद में बुलाएंगे नहीं बुला रहे हैं इसको हम repetition बोल रहे हैं because the entire word is repeated. ठीक है एलिटरेशन में लेटर रिपीट हो रहा है और रिपीटेशन में पूरा वर्ड रिपीट हो रहा है. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. ठीक है मैंने बोला था ना कि यहाँ पे हर स्टैंजा में आप देखोगे कि पोएट बोलते हैं कि आप रुकिए देखिए और समझिए. ठीक है डिस्ट्रक्शन मत कीजिए खुद को हार्म मत कीजिए दूसरों को भी हार्म मत कीजिए. Those who prepare green wards, wards with gas, wards with fire, fig trees with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. So again he says कि जितने लोग wards की तैयारी कर रहे थे चाहे वो environmental ward हो चाहे वो biological ward हो चाहे वो atomic ward हो ये सारे आपको victory देते हैं लेकिन कोई survivor नहीं देता है, है ना लाइफ का लॉस ऑफ लाइफ इज एक्सेसिव इन वॉर. सो दीज पीपल विल ऑल्सो चेंज क्लोथ्स दे विल पुट क्लीन क्लोथ्स मीन्स दे विल पुट न्यू थॉट्स इन देयर माइंड एंड देन दे विल वॉक विद ईच अदर विदाउट एनी फीलिंग ऑफ हेट्रेड और जेलसी. सो दीज आर फ्यू स्लाइड्स ऑफ ग्रीन वॉर पॉइजनस गैस रिलेटेड वॉर. And then again you have poetic devices here, words with alliteration, words with repetition and words with alliteration hai, clean clothes alliteration hai. Okay, what I want should not be confused with total. No Monica, this is not my personal channel, I take classes through an academy. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. So here I explained you in previous session also कि poet का purpose ये नहीं है कि stand still हो जाए हम. He is saying कि आप शांत हो जाओ ठीक है introspect करो but इसका ये मतलब नहीं है कि आप dead हो जाओ. रुकने का मतलब पूरे silence का मतलब कभी भी death के साथ associate करना नहीं है. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. So here the poet is saying कि अगर हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे होते अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स में बिजी नहीं होते तो इस साइलेंस की भी जरूरत नहीं आती. ठीक है वी नेवर स्टॉप अ वाइल टू इवैल्यूएट आवरसेल्फ. हम सिर्फ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने गोल्स और सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं. सिंगल माइंडेड है वो अप्रोच. ठीक है हम कभी भी रुक के ये नहीं सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कभी ये नहीं सोचते कि सामने वाला what the other person is going through, दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते हैं. We never understand that we shall never be able to come out of these desires and achievements. हमने कभी सोचा ही नहीं कभी contemplate किया ही नहीं तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि हमने अपने desires और achievements से आगे बढ़ के कभी कुछ देखा ही नहीं. If we could stop a while from these using we would have understood the real purpose of lives and ourselves. अगर हम रुक गए होते एक क्षण को रुके होते सोचा होता तो हमें बिल्कुल पता चल जाता कि हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी कभी हमें अपने लाइफ का और अपने एग्जिस्टेंस का रियल पर्पस पता चलता.
Rather, we go on with the fear of death calculation, how much of our dreams and wishes will be achieved. In fact, हम ऐसे ही डरे रहते हैं कि हमारी जब डेथ होगी तो उस टाइम तक हमने लाइफ में क्या अचीव किया होगा, कुछ किया भी होगा कि नहीं किया होगा. So finally, what is the poet saying? Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. मैंने आपको बोला था ना बिगनिंग ऑफ स्लाइड में क्या था, वी था एंड देन इट कम्स टू आई एंड यू. ही सेज आई काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, है ना. ये है आपका एग्जामिनेशन स्टाइल क्वेश्चंस. आई टोल्ड यू आई विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चंस विद यू टुडे. तो आपके एग्जामिनेशन में किस तरह से क्वेश्चन फॉर्मेट होके आते हैं, विल डिस्कस दैट. सो हियर वी गो. रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो दिस इज फॉर यू पीपल. आई वुड वांट यू टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन ओवर हियर. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ. लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स so much. So the first question is, how long does the poet want us to stay still? कितनी देर तक रुकना चाहते हैं poet, क्या कहते हैं हमें कितनी देर तक रुकना चाहिए. Okay, next question, what does he hope to achieve by keeping quiet? उनको क्या लगता है keeping quiet से उनको क्या achievement है. And next, what does the poet mean by not move our arms so much? Yes, up to 12. He says that we shall count till 12 and keep still for that duration. Very good, Monica. Okay, and the last question. Describe the pun in the word arm. आपको मैंने pun का meaning बताया था, तो now you can tell me the meaning of arms. ठीक है? So we'll move to the next slide. It would be an exotic moment. Before that, let's have an answer to this one. How long does the poet want us to stay still? Monica has given the answer 12, which is correct. What does he hope to achieve by keeping quiet? ठीक है, keeping quiet से क्या होगा? Keeping quiet से he thinks that we'll be able to introspect. ठीक है, सोच पाएंगे हम कि हम क्या कर रहे हैं. What does the poet mean by not move our arms so much? ठीक है, यहाँ पे उनका मतलब ये है कि हम हाथों को ना हिलाएं ज्यादा तो कोई भी किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं होगी. ठीक है, तो हमें स्टिल होना है ना, शांत होना है, रुकना है. दैट इज व्हाई ही सेइंग कि डोंट मूव योर आर्म्स मच. डिस्क्राइब द पन इन द वर्ड आर्म्स. आर्म्स का मतलब यहाँ पे ह्यूमन बॉडी पार्ट हो गया. ठीक है, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट. एंड देन आर्म्स का मतलब यहाँ पे वेपन भी हो गया. So he refers to both the things कि हम weapons का भी use नहीं करेंगे, हम arms को भी move नहीं करेंगे. Okay, next one. Read the extract given below and answer the following questions. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. So the first question here is, then name the poem and the poet. Name the poem and the poet. Yes, right, absolutely right. To think about own self for some time. Correct. Chalo, poem aur poet ka naam batao. What is the name of the poem and the poet? Yes, poem is keeping quiet and the poet is Pablo Neruda, first class. What does it refer to? It hai na line mein, first line, first word, it would be an exotic moment. So what is it? Next, who is the poet speaking to?
And last question of the extract is, what would that moment be like? Okay. So the answer is, the poem is Keeping Quiet by Pablo Neruda, to which Monica is absolutely right. Here it refers to the moment of quiet introspection. So ye kya kehta hai? It would be an exotic moment. Wo moment jab aap introspect kar rahe honge, that is, and in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would not look at his hurt hands. Question: what does the poet expect of the fisherman and why? Next, what would the man gathering salt do? And the last one, what do the hurt hand imply? Teen question hai, inke answers. The poet expects the fisherman not to harm the whales in the cold sea. The next answer is, he would look at his hurt hand. Who would look at his hurt hand? The salt gatherer. And what does the hurt hand imply? The hurt hands imply the danger of being greedy and unsatisfied. Greedy in the sense ki aap salt ikattha kar rahe ho, ruk nahi rahe ho, ruk nahi rahe ho, and that is again shows your dissatisfaction. Aur uske wajah se kya hota hai? Haath kharab ho jate hain. Salt acidic hota hai, to uske wajah se. Okay. Okay. So shall we move to the next set of questions, Monica? Aage chale. Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive, now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. So here in this stanza, the poet has tried to tell us that we need to compare this quietness with earth. ठीक है, अर्थ के सीजन्स होते हैं डिफरेंट. आप विंटर सीजन देखना, इट इज अ सीजन ऑफ क्वाइटनेस. चीजें ठंड से बिल्कुल डल सी हो जाती हैं, इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है. बट इसका ये मतलब नहीं है दैट लाइफ इज कम टू एन एंड. द मोमेंट स्प्रिंग सेट्स इन, एवरीथिंग बिकम्स लाइव एंड चीयरफुल. सारी ग्रीनरी हो जाती, इट इज ग्रीनरी एवरीवेयर. कोई बात नहीं मोनिका, आई एम वेटिंग फॉर यू. आई एम एक्सप्लेनिंग दीज लाइंस. परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव. तो इसके पहले स्टैंजा में जब पोएट ने बोला था कि कीपिंग क्वाइट से उनका ये मतलब नहीं है दैट वी आर लाइक डेड, ये नहीं होगा. तो उसी के रेफरेंस में फर्दर ही एक्सप्लेन कि वी नीड टू लर्न इट फ्रॉम अर्थ. And one of the seasons from earth we should take lessons from. Jab winter season mein everything seems to be so dull and dead, and the moment spring season sets in, kya hota hai? Sari cheezein lively ho jati hain. There is greenery everywhere. There seems to be joy, happiness hoti hai har cheezon mein. Theek hai, this is what he is trying to tell us. Ki hum shant ho jayenge. Jab hum shant ho jayenge और उस शांति के बाद, उस इंट्रोस्पेक्शन के बाद हम वापस आएंगे, तब देखना कि लाइफ बिल्कुल चेंज कर चुकी होगी. वी वुड बी लविंग एंड रिस्पेक्टिंग अदर्स एंड देयर फीलिंग्स, एंड इट विल बी रेसिप्रोकेटेड इन द सेम वे. नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो. ओके, नाउ इट इज टाइम फॉर द पोएट टू गेट इन टू इंट्रोस्पेक्शन. ओके, वॉट डज द अर्थ टीच अस? अर्थ हमें क्या सिखाती है? अर्थ हमें सिखाती है टू हैव पेशेंस एंड देर इज अ चेंज विच विल बी सीन इन सम टाइम. अर्थ में तो यही होता है ना, सीजन्स आते हैं, कभी डल होता है, कभी लाइवली होता है. तो दिस इज वॉट अर्थ टीचेज अस. वॉट डज द पोएट मीन टू अचीव बाय काउंटिंग अप टू 12? एंड वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट? And last, what is the poetic device used in the first line? So we'll move on to the next slide to see the answers. Answer is, the earth teaches us that by suspending our activities for a short while, we can start them fresh in a better manner. आपको मैंने बोला था ना कि एक सीजन ऐसा होता है जब सब कुछ ही शांत रहता है, लेकिन दूसरा सीजन जो उसके बाद आता है उसमें सारी चीजें फ्रेश और लाइवली दिखाई देती हैं. तो यही होगा जब हम खुद को रोकेंगे, शांत हो जाएंगे, रुक जाएंगे, उसके बाद जब स्टार्ट करेंगे अपनी एक्टिविटीज, तो वो बेटर वे में, फ्रेश स्टाइल में स्टार्ट करेंगे. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है टू गिव द रीडर लिटिल टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन बाय काउंटिंग अप टू 12. एंड देन थर्ड क्वेश्चन इफ वी कीप क्वाइट फॉर फ्यू मोमेंट्स एंड डू इंट्रोस्पेक्शन वी कैन अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स. This question has come from somewhere else, it seems. ठीक है, अर्थ को देखो, अर्थ का भी पर्सोनिफिकेशन कर दिया है कि अर्थ हमें क्या सिखाती है. ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट. इफ यू कीप क्वाइट फॉर फ्यू मोमेंट्स एंड डू इंट्रोस्पेक्शन वी कैन अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स. ठीक है, हम खुद को समझ सकते हैं. Then we can restart our activities in a better and purposeful manner. तो ये होगा keeping quiet का benefit. Yes, the poet means to achieve by counting up to 12 is to get some relief and relaxation. Right, absolutely right. ठीक है ना, आपके self practice के लिए questions है, इसके answers आपको यहां नहीं मिलेंगे. I'm not given the answer. So you can take a screenshot or you can attempt these questions later also. Those who prepare green wards, wards with gas, wards with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. So, first question here is, what do you think is meant by green wards? Green ward ka matlab kya hota hai? How are the wards fought? And the last question is, pick out the phrase that underlines the inhumanity of war. ठीक है, वो फ्रेज उठा के लिखो जो आपको रिफ्लेक्ट करता है या शो करता है इनह्यूमैनिटी ऑफ वॉर. तो ये तीन क्वेश्चंस आपने खुद से अटेम्प्ट करने हैं. एंड आई विल बी मीटिंग यू टुमारो अगेन सेम टाइम. यू कैन गिव द आंसर्स एट दैट टाइम ऑल्सो. ठीक है, फिर YouTube का Telegram आपका लिंक दिया है, यू कैन पोस्ट द आंसर देयर और एज वेल. आप मुझे आंसर भेज सकते हो. टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस नाउ. व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव. इफ यू काउंट अप टू 12 एंड कीप स्टिल इट विल गिव अस सम टाइम टू एनालाइज आवर डीड. तो ये इसका की स्टेटमेंट है. अगर हम काउंट करें 12 तक और उस टाइम पे बिल्कुल स्टिल रहें तो ये हमें सेल्फ एनालिसिस का टाइम देगा. ठीक है, इट विल अलाउ अस सम मोमेंट्स टू थिंक अबाउट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज. ठीक है, एनालाइज आवर डीड्स, हमने क्या किया, रिजल्ट, उसका क्या रिजल्ट हुआ. ये दो चीजें. पीपल इन द वर्ल्ड आर इन्वॉल्व इन वॉर्स एंड आर ऑल्सो डैमेजिंग द एनवायरमेंट इन ऑर्डर टू अचीव देयर एम्स. अनफॉर्चुनेटली दिस इज टेकिंग ऑल ऑफ अस टुवर्ड आवर ओन end. So we need to think in order to achieve peace and harmony. So these are the three keywords, key phrases of this question. What will counting up to 12 and keeping still help us achieve? So we will be able to analyze our deeds, think about the result of our activities and achieve peace and harmony. So ye teen cheeze hai jo aapko milengi. Next, do you think the poet advocates total inactivity and death? ये बहुत ही सिंपल आंसर है, क्योंकि एक स्टैंजा ऐसा है जहां पे पोएट ने डिस्कस किया है कि उनका टोटल इनएक्टिविटी से मतलब क्या है. एंड ही नेवर बाय एनी चांस मेंट डेथ. ओके, द आंसर इज नो, द पोएट डजंट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ. ही क्लैरिफाइज दिस इन हिज पोएम दैट ही वॉन्ट्स ऑल द पीपल टू जस्ट stop for a while in order to analyze their activities and their consequences. He wants human beings not to support war and damage the environment. ठीक है, उनका ये purpose है. बेटा, यू विल हैव टू डाउनलोड टेलीग्राम ऐप, उसमें ये लिंक आपको टाइप करना पड़ेगा. ठीक है, इस स्लाइड के बिगनिंग में जो लिंक दिया था ना, वो आप टाइप करो, खुलता है. और यू कैन सेंड मी द आंसर, है ना, आपके पास मेरा है ना टेलीग्राम का ये, यू कैन सेंड द आंसर देयर ऑल्सो. वॉट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम.
The sadness is the result of our own actions and deed. Sadness kya hai? What is the sadness that poet refers to? Sadness, the result of our action and deeds. According to the poet, we all are in a hurry of achieving various tasks in our life. This rush sometimes proves dangerous for us, as we don't analyze our actions, so we land ourselves in a number of problems. These problems then become the reason for our sadness, as referred to in the poem. So sadness kya hai? सैडनेस हमारे सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, ठीक है, जो हमने काम किए हैं, जो हमने हरकतें की हैं, उससे जो कॉन्सिक्वेंसेस आ रहा है, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स कॉज हुए हैं, ये सैडनेस उसी का है, तो रूट कॉज तो हम ही हो गए उसके. ओके मोनिका, आई विल सेंड इट टू यू. व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इनवोक टू से that there can be life under apparent stillness. The poet takes the example of earth. The poet takes the example of earth to prove that there can be life under apparent stillness. इसका एग्जाम्पल लेते हैं, नेचर का कौन सा चीज लिया है उन्होंने, अर्थ लिया है, और वो बोल रहे हैं कि देयर कैन बी लाइफ अंडर स्टिलनेस, शांत होके भी लाइफ होती है, शांत रहने के बाद भी. द अर्थ नेवर गेट्स इनएक्टिव, वी एक्सपीरियंस अ चेंज इन द सीजंस व्हिच ब्रिंग सो मेनी डिफरेंट थिंग्स विद इट. इन विंटर्स थिंग्स कम टू अ स्टैंड स्टिल एंड द वाटर बॉडीज फ्रीज, द ट्रीज शेड देयर लीव्स एटसेट्रा. But as soon as the spring season comes, it brings with it lovely flowers, flowing rivers, and a new life is given to the nature. So the poet wants to convey that we should stay calm, but that doesn't mean that it will bring total inactivity and stillness. Yeah. Then we have set of quizzes also. What does the title of the poem suggest? Keeping quiet is the title, isn't it? So what does the title suggest? So it suggests this, maintenance of silence. आप मुझे ऐसे numbers भी दे सकते हो, A, B, whichever is the correct answer, just write the number of the same. What does the poem speak about? Poem किस चीज के बारे में बात करता है यहाँ पे? What is the poem talking about? The necessity to be happy, the necessity to introspect, understand, and have feelings of brotherhood, the necessity to work quietly. None of these. What is it? So it is this. Yes. Okay. So Monica is here. So the answer, I'll be waiting for a response then. What does the poem speak about? The necessity to be. Yes. Correct. Next one. What does counting up to 12 signify and how will it help? Hours of the day, months of a year. It will help to create peace and harmony, all of the above. Which is the answer? Correct answer kya hai? Here the correct answer would be all above, all of the above. Hours of the day भी signify करता है, 12 months of a year भी signify करता है, और इस ये help कैसे करेगा? It will help to create peace and harmony. So the answer is all of the above. What is poet's pen name? Pen name poet का क्या है? ट्वेल्व क्या सिंबलाइज करता है बेटा? ट्वेल्व इट इज बीन रिपीटेड इन द पोएम. ट्वेल्व क्या सिंबलाइज करता है? ट्वेल्व जोडियक साइंस को भी सिंबलाइज करता है, 12 आवर्स ऑफ द डे को भी सिंबलाइज करता है, मंथ्स ऑफ अ ईयर को भी सिंबलाइज करता है, ठीक है ना?
वॉट इज पोएट्स पेन नेम, पोएट का पेन नेम क्या है? ओरिजिनल नाम तो कुछ और था ना, ठीक है, लेटर ऑन ही टुक द न्यू नेम एंड ही वॉज पॉपुलर बाय दैट नेम ओनली, तो उनका पेन नेम क्या है जिस नाम से वो पोएट पहचाने गए, उनका नाम क्या है बताओ? This is your answer. What does the style of the poem symbolize that the poet used to write with? Style जो है poem का वो क्या symbolize करता है? Desires, happiness, hope, desire and hope both. It will be again yes, I am waiting for the response. Yes, it is okay, right? So the last question, question number 5, what is the answer to question number 5? What does the style of the poem symbolize? Poem क्या symbolize करता है? Desires, happiness, hope, desire and hope. Okay, I'm waiting for the response. थिंक मेरा नेट का स्पीड स्लो है इसलिए आपके रिस्पॉन्स धीरे धीरे आते हैं मेरे पास में. हियर ऑल्सो द आंसर इज डी ओनली. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टूडेज सेशन. आई विल मीट यू ऑल इन माई स्पेशल क्लास विच इज गोइंग टू बी एट 7 o'clock. अन अकेडमी लर्नर्स ऐप डाउनलोड कीजिए एंड स्पेशल क्लास में. येस इट इज एब्सोल्युटली राइट, इट इज डिजायर एंड होप. Okay, so Unacademy Learners app download kijiye and meet me there in the scheduled class at 7 o'clock. We are going to discuss the lost spring. Thank you so much. Have a great day ahead. Take care and stay safe. Bye for now.